मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। एक नंबर फिल्म थी भाई। कैसी लगी? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी लगी आपको? एकदम अच्छे फिल्म है। वीडियो का काम कैसे लगा? एकदम बहुत बढ़िया। फिल्म कैसी लगी भाई आपको? बहुत अच्छी लगी। पिक्चर लगी। वीडियो का काम कैसे लगा? अच्छी लगी पिक्चर भाई, बढ़िया लगा। गाने लोग कैसे लगे? फाइट वाइट फाइट वाइट तो ज्यादा नहीं था, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, अच्छा है फिल्म, मस्त थी। बहुत अच्छा बराबर है, एकदम मस्त, बहुत मस्त है गाना, खूब बढ़िया। एक नंबर पिक्चर लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा, एक नंबर सुपर हिट गई भाई पिक्चर। अच्छे गाने, अच्छे पिक्चर, बढ़िया बना, बहुत बढ़िया। एक नंबर खसारी लाल यादव, एक नंबर लगी, एक नंबर लगा। फिल्म कैसी थी भाई? अच्छा लगा, अच्छा लगा। पिक्चर बहुत अच्छा है, नाम गलत है। पिक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन गोली नंबर वन नाम गलत है। फिल्म बहुत बढ़िया था, नाम दूसरा डालना चाहिए था, लेकिन नाम दूसरा डालना। पिक्चर बहुत अच्छा है, पिक्चर बहुत अच्छा है, बहुत हाउसफुल है। अगर इसी पिक्चर बनेगा तो कभी भी खिलाड़ी लाल यादव अच्छे रहेंगे। चला मोहम्मद नाम, मोहम्मद फिरोज हाशमी, यूनाइटेड सी भंगारवाड़ी से आया हूँ। फैशनेबल व्यू आ जाते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनका प्यार भूल जाते हैं, जो बचपन से उनको प्यार मिलता है उसको भूल कर चार दिन की बीवी से प्यार करने के बाद उनको छोड़ देते हैं, प्यार कर में डाल देते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, बाकी थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हुआ है। और हमारे मैं बॉलीवुड भी देखता हूँ फिल्में, लेकिन उसमें कैसा है कि भोजपुरी में खेसारी लाल की फिल्में बहुत अच्छी हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अच्छी चीज़ें। और एक तरह से देखें तो भोजपुरी में अपना खेसारी लाल बॉलीवुड के सलमान खान की तरह है, जो कि उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो खेसारी लाल का कोई गाना या डायलॉग फिल्म का गुनगुना दीजिए आज, मौका भी है। इस अभी जो मैं मूवी देख के आ रहा हूँ इसका गाना तो मुझे अच्छे से नहीं याद है, लेकिन उनका एक गाना है कि ठीक है करके है या छपरा छठ मनाएंगे, ये सब गाना मैंने उनका सुना है। और कुछ खेसारी लाल को और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? अभी जो भी है सुपर डुपर ठीक है, खेसारी लाल के बारे में जो भी कहें कम ही है, बहुत अच्छे खेसारी लाल की जोड़ी भोजपुरी में जो बनती है उनके जैसे जोड़ी आज तक अभी तक भोजपुरी लाइन में भोजपुरी मूवी मैंने नहीं देखा। एक्शन सीन कैसे लगा? एक्शन सीन कैसे लगे? एक्शन सीन बहुत अच्छा है, साउथ से भी कुछ मिलता जुलता है, जैसे कि साउथ में मतलब सीन्स रहते हैं, साउथ में जो एक्शन मूवीज के सीन रहते हैं, सेम भोजपुरी में भी अपनी भोजपुरी किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छी है। मैं भी यूपी से हूँ। राइट एक्शन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका संजय भूषण पटियाला आज नवरंग सिनेमा के बाहर खड़ा है और आज हमारे दोस्त सुपरस्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव की फिल्म कुली नंबर वन लगी है और 12 से 3 के शो में मैंने देखा फिल्म बहुत अच्छी बनी है। एक पारिवारिक फिल्म काफ़ी दिनों के बाद रिलीज हुई है खेसारी लाल यादव की। फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है। फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी और फिल्म के निर्माता को
बहुत बहुत बधाई हो इतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए। इनकी उससे पहले फिल्म आई थी जिला चंपारण, वो भी मैंने फिल्म देखा। उसके बाद राजा जानी आए, वो भी मैंने देखा। उन दोनों से लाख गुना अच्छा फिल्म है गूगली नंबर वन। आज ये फिल्म बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और नेपाल में एक साथ कई सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई है, मैंने जहाँ तक जानकारी है। तो मैं अपने सभी चाहने वाले और खेसारी के सभी फैन से ये कहूँगा कि फिल्म को जाके जरूर देखें। और आज चूँकि ईद है तो ईद में बहुत लोगों ने देखा फिल्म को, सारे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म में खलनायक संजय पांडे और देव सिंह का भी अभिनय बहुत काबिल है, जितनी तारीफ की जाए कम है। देव सिंह जी का जो सीन है लास्ट में, वो भाविक हो जाते हैं खेसारी लाल यादव के साथ में। संजय पांडे जी उतने ही अपने अभिनय को किया है इस फिल्म में। खेसारी लाल यादव और काजल लगवानी की जोड़ी एक नए रूप नज़र आ रही है दोनों को। हमेशा वो लोग नोक झोंक करते रहते हैं, लेकिन ये पारिवारिक फिल्म हमेशा कोई फिल्म में प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहता है। लेकिन बहुत ही सुरेंद्र जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि इस तरह की फिल्म बनाए हैं और हमेशा इस तरह की फिल्म बनाते रहें, तब जाके भोजपुरी इंडस्ट्री और सुधरेगी और साफ सुथरी होगी। आज जिस तरह से हमने नवरंग सिनेमा देखा, पब्लिक का जोश फिल्म देख करके निकलने के बाद सबने तारीफ किया, बहुत खुश हुआ। क्योंकि काफ़ी सिनेमे ऐसे आते हैं जब हम लोग पब्लिक रिव्यू करते हैं तो पब्लिक कुछ भी बोल के चली जाती है कि उसमें सिलता है, गाने ये हैं, फिल्म वो है, फिल्म में ऐसा था वैसे था। अभी हमारे एक मित्र ने बोला कि कुली का वाला सीन काट लिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने उनको फिल्म के बारे में बताया कि कुली ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के बाहर जो भार उठाए उसी को कुली बोलते हैं, कुली का मतलब ये होता है कि पूरे ज़िंदगी का जो भार उठाता है, अपने समाज का भार जो उठाता है, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को जो समझता है, उसे हम कुली कहते हैं। आज कई ऐसे नौजवान हैं जो अपने माता पिता को छोड़ के बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, वाइफ के साथ शॉपिंग करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को कभी भी शॉपिंग कराने नहीं लिया था। उनको पूछते तक नहीं कि मम्मी पापा कैसे हो, आप लोग आज खाना खाए कि नहीं खाए। लेकिन जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है सुबह सुबह फ़ोन आने लगता है कैसे हो जानू ये हो, लेकिन कोई पूछता है कि माता पिता कैसे हैं, खाना खाए नहीं खाए, आज गर्मी में किस तरह से वो गाँव में रहते हैं, आप शहर में रह रहे हैं। तो ये फिल्म देखने के बाद अगर नौजवान में थोड़ा सा भी शर्म होगा तो जाकर अपने माता पिता को जरूर आदर सत्कार करेगा। और उन सभी नौजवानों से मैं चाहूँगा कि फिल्म एक बार जरूर जाकर देखें, कुली नंबर वन बहुत ही लाजवाब फिल्म है, देखने लायक है, इंटरटेनमेंट से भरपूर है और गाने आपको फिर से झुमाएंगी, मजा लीजिए। फिर से ईद मुबारक सभी को, थैंक यू। संजय भाई, ये तो मुंबई की बात हुई, और भी स्टेट में रिलीज हुई है तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सुबह मुझे 12 बजे बिहार से जानकारी मिली, नेपाल से जानकारी मिली, झारखंड से जानकारी मिली, यूपी से जानकारी मिली। फिल्म को अपनी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आज ईद है तो ईद का जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा हुआ है। आज क्रेक फाइटर भी रिलीज हुई है, लेकिन आज बिहार झारखंड में पवन सिंह की फिल्म क्रेक फाइटर रिलीज हुई है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फिल्म में इस फिल्म में भी काजल लगवानी और क्रेक मैंने उनको सज्जन चुन लिया में भी काजल लगवानी है। पवन सिंह जितना पहले लोग जानते थे उससे कहीं ज़्यादा इस फिल्म में अच्छे लग रहे हैं। मैंने उनको सज्जन चुलिया के निर्देशक देवेंद्र तिवारी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उनकी ये पहली फिल्म है जो बिहार झारखंड में एक साथ रिलीज हुई है कई सिनेमाघरों में, और हम चाहते हैं हमारे दोनों सुपरस्टार जिस तरह से अपने दोस्ती बनाए हुए हैं, भाईचारा बनाए हुए हैं, उस तरह से हम चाहता हूँ दोनों भाई ये मिल करके भोजपुरी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। पहले मनोज तिवारी और रवि किशन ने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, अब पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव से बहुत पब्लिक को उम्मीद है। तो उस तरह कभी भी गलत सिनेमा नहीं बनाते हैं लोग, अब अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और पब्लिक से निवेदन है कि अच्छी फिल्में जाके एक बार हॉल में जरूर देखें। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।